नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम का सीएम ने किया निरीक्षण, सीएम ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने करनाल के मुगल कैनाल का नाम रखा कर्ण कैनाल, सेक्टर 13 के कम्युनिटी सेंटर में बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। चुनावों के मद्देनजर भारी राजनीतिक हलचल, कांग्रेस की नववर्ष में पहली रैली। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने करनाल प्रवास के दौरान आज कैलाश गांव में बने राष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जल्द ही इसका लोकार्पण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर हॉकी खिलाड़ियों को नए स्टेडियम के बनने की शुभकामनाएं और बधाई दी और कहा कि इस स्टेडियम में बेहतरीन तरीके से अभ्यास करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, अब गांवों में खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि खिलाड़ी अपने गांव में ही बेहतर अभ्यास कर सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रविवार को करनाल में अधिवक्ताओं के लिए नए चैंबर कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कॉम्प्लेक्स के फंड में अपनी ओर से 31 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इस मौके पर करनाल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। उन्होंने पुष्पगुच्छ देकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक एकड़ जमीन अधिवक्ताओं के नए चैंबर बनाए जाने के लिए सरकार की ओर से दी गई है। यहां 260 चैंबर बनेंगे। सीएम मनोहर लाल ने हर्षोल्लास के साथ आमजन के बीच लोहड़ी का पर्व त्यौहार मनाया और करनाल के सेक्टर 13 स्थित कम्युनिटी सेंटर में आयोजित लोहड़ी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की और बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को लोहड़ी की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने प्रदेशवासियों की खुशहाली और तरक्की की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को 14 जनवरी को मनाए जाने वाले मकर संक्रांति पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने करनाल के मुगल कैनाल का नाम बदलकर कर्ण कैनाल करने का प्रस्ताव भी रखा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोहड़ी का पावन पर्व शिशुगृह सेक्टर 15 में बच्चों के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। बाल कल्याण परिषद हरियाणा के तत्वाधान में राज्य स्तरीय लोहड़ी समारोह के आयोजन पर राज्यपाल ने शिशुगृह पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ खुशी साझा की। राज्यपाल ने उनका हालचाल भी जाना। बच्चों ने भी दत्तात्रेय को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। इसके बाद बंडारू दत्तात्रेय ने लोहड़ी दहन किया और इस अवसर पर बच्चों और अन्य कलाकारों ने मंच पर रंगारंग कार्यक्रम पेश किए जिसकी अतिथियों ने खूब सराहना की। इससे पूर्व शिशुगृह पहुंचने पर हरियाणा बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता ने राज्यपाल का स्वागत किया। बाल कल्याण परिषद यहाँ पर जो बच्चों को मैंने देखा किया जा रहा है, सही जो है कल्याण की सेवा बच्चों को लाना पालना और इनको देखभाल करना बहुत बड़ी बात है और इसमें कानूनी आरक्षण लेकिन इनको और अच्छे आगे बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। बाल बच्चे जो है पूरे ऐसे अच्छे सेवा कार्यक्रम वैसे उनकी शिक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में और उनका रोजगार के बारे में भी बाल कल्याण परिषद काफ़ी आगे बढ़ के आगे चला रहा है। इसलिए वही हमारे रंजीता मेहता जी ये भी जो संस्था के हमारे उपाध्यक्ष की दर्शन शर्मा जी ऐसे लोग भी जो है अपने घर का काम छोड़कर एक सेवा के रूप में वो लोग भी यहाँ पर सेवाएं थे। ज्यादातर दुर्घटनाएं लेन बदलने के कारण होती हैं और अब जो वाहन सड़क पर चलते एकदम लेन बदलेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस योजना को अमली जमा पहनाने के लिए हरियाणा सरकार ने नेशनल हाईवे पर दिल्ली तक 200 कैमरे इंस्टॉल किए हैं। ये कैमरे लेन चेंज करने वाले वाहनों के ऑनलाइन चालान करेंगे। गृह मंत्री विज ने इस योजना को अमली जमा पहनाने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। ये जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं इनमें ज़्यादातर एक्सीडेंट जो लेन चेंज करते हैं उसकी वजह से होते हैं, तो हमने सख्ती की है कि भी अपनी लेन में चलो,
और जो लेन चेंज करेगा उसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे। और हमने यहाँ से दिल्ली तक कैमरे भी लगवा दिए, वो अपने आप भी नंबर देख के चलान किया करेंगे। तो हम इस मामले में सख्ती कर रहे हैं। साल में लगभग 6,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, और वो एक्सीडेंट इस नलायकी की वजह से होता है कि अपनी लेन में ना चलाकर एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ लगाना, उसमें नुकसान होता है। उसको हम इजाजत नहीं देंगे, सख्ती करेंगे। कलायत के बड़े गांव भालू में कांग्रेस की नववर्ष में पहली रैली 2024 के चुनावों के मद्देनजर भारी राजनीतिक हलचल पैदा कर गई। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिरकत की। हरियाणा किसान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष धर्मवीर कौले खान द्वारा आयोजित रैली में जुड़ी भीड़ से रणदीप सुरजेवाला गदगद दिखाई दिए। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूती देने की मार्मिक अपील की। हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता इस बैलगाड़ी की सवार होगी, और इस बैलगाड़ी के बैल हम सब, इस बैलगाड़ी के पहिए हम सब। हम ये चाहते कि हरियाणा की जो जनता है वो इस बैलगाड़ी की सवार बने। आज किसान और मजदूर पर जो हमला हो रहा है, मोदी सरकार द्वारा भी और खट्टर दुष्यंत सरकार द्वारा भी, उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई का संघर्ष किसान कांग्रेस ने और हमारे साथी धर्मवीर कौले खान जी और पूरी किसान कांग्रेस की टीम ने जो किया है, मैं इसके लिए इनको साधुवाद देता हूँ। 22 तारीख को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर के लोगों में उत्साह है। इस खास पर्व को मनाने के लिए हजारों की संख्या में संत और आचार्य को न्योता दिया गया है। इनमें से कुछ अम्बाला के संत भी शामिल है। आचार्य निशान ने अयोध्या से आए अक्षत से कलश स्थापित किया है, और अयोध्या ले जाने के लिए भगवान सूर्य की मूर्ति भी बनवाई है, जिसे उपहार स्वरूप लेकर जाएंगे। फरीदाबाद की आईपी कॉलोनी में रहने वाली सीनियर सिटीजन महिला के घर उस वक्त हथियारबंद 3 चोरों ने सोने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जब उक्त बुजुर्ग महिला लोहड़ी के कार्यक्रम को लेकर अपनी बेटी के घर गई हुई थी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 3-4 चोर बारी बारी घर में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनमें से एक चोर के हाथ में एक तमंचा भी था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं कॉलोनी वासी इस घटना के बाद डरे हुए हैं। उनका कहना है कि यदि बुजुर्ग महिला घर पर होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। इसके लिए देखो, ये एक नेग्लिजेंस है, एक बहुत बड़ी ये RWO की तरफ से भी है, और बाकी देखो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर गार्ड तो हैं, लेकिन इतना वो है नहीं, क्योंकि जो बाहर की कॉलोनी है, ऑथराइज कॉलोनी है, वहाँ से भी लोग आते जाते हैं, कई दरवाजे हैं, और भी कोई कई सारे पीछे से भी आते जाते हैं। यहाँ पर जो ये मेन हाईवे पर काम भी चल रहा है, मेन वो है, जैसे हमें मालूम चला कि हमारे ऊपर सीनियर सिटीजन रहती हैं, और हमें मालूम चला कि भाई उनके यहाँ पे चोरी हुई, तो एक पड़ोसी ने हमें बताया कि ऐसा है, तो हम भी मतलब जब से इतने डरे हुए हैं, और इतना मतलब यहाँ पे ये देखा जाए कि उसके बाद पुलिस भी आई थी 1.25 घंटे के करीब, आए हमने 112 पे कॉल भी की थी, कराई थी, और जो हमारे एंट्री हैं उनको हमने हौसला दिया थोड़ा, क्योंकि डर बहुत डरी हुई थी, बड़ी भय थी, तो पता चला कि ये चोरी नहीं, ये एक तरह की डकैती थी। 3-4 लोग उनके कैमरे में आए हैं कि उन लोगों ने कुछ हथियार वगैरह थे, जिससे बाकायदा इनका ये किया हुआ। बिल्कुल, अगर कल वो घर में अकेली होती, अगर मौजूद भी होती, तो अगर कोई ऐसी वारदात होती तो बिल्कुल कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। बिल्कुल जानमाल का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। वो तो शुगर है, भगवान का शुगर समझो कि सब ठीक रहा, लेकिन वो कल से, और इतना वो भी डरी है, और हम भी डरे हुए हैं कि हमारे बच्चे भी और हमारी फैमिली भी, हम ड्यूटी चले जाते हैं अपने सर्विस के लिए, उसके बाद फिर देखिए हमारे बच्चे भी अकेले, छोटे बच्चे हैं हमारे। अमूमन देखा गया इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में ज्यादातर जो है वर्किंग क्लास है, लोग काम करने जाते हैं, तो अपने बच्चे जो पीछे कहीं छोड़ जाते हैं कि बच्चों का भी कहीं ना कहीं एक तरीके से, बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। अब इसमें पुलिस को यहाँ पे कुछ चेक पोस्ट वगैरह या कुछ इस तरह से बनाना चाहिए, जिस तरह की यहाँ पे लोग रहते हैं, काफी मकान है, काफी लोग है, हजारों में लोग रहते हैं, और तो उनके हिसाब से जो एक मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी, जो आदमी अपने आप को खुश महसूस समझे, वो हमें अभी नहीं मिल पा रहा है। SHO कालका हरिराम ने जानकारी देते हुए बताया कि कालका पुलिस हर समय जनता की सेवा में काम करती है। उन्होंने बताया कि सड़क किनारे नए कपड़ों की गठरी लावारिस पड़ी हुई थी, इस पर SHO हरिराम ने अपने तौर पर उस लावारिस गठरी के मालिक का पता करवाया, जो कश्मीर का रहने वाला है, मोहम्मद अमीन मलिक, जो कश्मीर से लेडीज गर्म सूट शॉल लेकर आता है और यहाँ पर फेरी लगाकर सूट बेचता है। इनमें करीब 1 लाख रुपए के 50 सूट थे। अमीन मलिक ने अपने IT प्रूफ दिखाकर अपना गुम हुआ सामान पुलिस से सही सलामत वापस लिया, और साथ ही कश्मीर निवासी मोहम्मद अमीन मलिक ने कालका पुलिस का धन्यवाद किया। आज मैं अपनी टीम के साथ
जो है गश्त पड़ताल पर था कि मुझे सड़क के किनारे किसी राहगीर ने बताया है कि नए कपड़ों की एक गठड़ी पड़ी हुई है जो लावारिस है। तो मैंने अपने साथी मुलाजमान से बोल के उस गठड़ी को उठा के मैं थाने लेके आया और उसका मैंने इसके असल मालिक का अपने तौर पर पता किया। तो इसका जो असल मालिक जो है कश्मीर का रहने वाला है, जो कश्मीर से गर्म कपड़ा खरीद के लाता है, ये लेडीजों के सूट है और यहाँ घूम फिर के बेचता है। ये करीब 1 लाख रुपए के कपड़े हैं, गर्म सूट हैं, 50 के करीब सूट हैं। तो इसके असल मालिक ने आके अपनी आईडी व प्रूफ देकर ये अपने हमारे से हासिल कर लिया। अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, जिसकी खुशी को लेकर पिहोवा सरस्वती राम नाटक क्लब द्वारा रामलीला भवन में रामचरितमानस का पाठ आरंभ करवाया गया। इस मौके पर नगर में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। 22 जनवरी को हवन यज्ञ कर कथा का समापन किया जाएगा। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।